अहम खबर आपको दें कि NA-132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है। शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील शाहिद औरकज़ई ने दायर की है। मौकिफ ये अख्तियार किया गया है कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइए मजीद क्या कहा गया है इस दरख्वास्त में। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन अपेलेट ट्रिब्यूनल में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के हल्का NA-132 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है। ये अपील शहरी शाहिद औरकज़ई की जानिब से दायर की गई, जिसमें ये मौकफ इख्तियार किया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी हल्का NA-132 से हकायक के बरक्स मंजूर की है। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टर माइंड है। शहबाज शरीफ ने अपने वर्कर के जरिए हमला करवाया। अपील में यह भी नुकता उठाया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कानून के मुताबिक शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल नहीं की और इसी बुनियाद पर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी से मुतल्लिक रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलदम करा दिया जाए। ये अपील लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन अपेलेट ट्रिब्यूनल में दायर कर दी गई है और अब रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से स्क्रूटनी करने के बाद इस अपील को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। मोहम्मद इशफाक तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया।